नमस्कार। जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटरी, वहाँ की स्थिति के बारे में चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से पूरा नाकाबंदी है, न्यूज़ का ब्लैकआउट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क वहाँ पे बंद है। इसलिए कई तरह की प्रश्न उठे हैं। हमारी सरकार को एक सलाह है, भारत एक बड़ा प्रजातंत्र है, संवैधानिक प्रजातंत्र है, भारत के हर नागरिक के संवैधानिक अधिकार हैं। इसलिए सरकार अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को कश्मीर और जम्मू में जाने की पूरी आज़ादी दे। अगर जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल ने कल कहा है, केवल श्री राहुल गांधी जी के संदर्भ में उनको निमंत्रण दिया, जिसका उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी, जवाब भी दिया, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। श्री राहुल गांधी को या किसी अन्य नेता को राज्यपाल की उसमें हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको जहाज़ भेजने की ज़रूरत है, पर राजनीतिक दलों के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को वहाँ पर जाने की खुली छूट दी जाए, ये हमारी मांग है सरकार से, ताकि देश और दुनिया ये जान सके कि स्थिति सामान्य है जैसा सरकार का दावा है, या अगर कोई चिंताएं हैं वो भी भारत की जनता के सामने आ सकें। क्या कारण है कि प्रमुख विपक्षी दल के नेता, जिन्होंने प्रयास किया, उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया? आज 9वां दिन है। भारत जैसे देश के लिए, हमारी छवि के लिए, हमारे सम्मान के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हमारा संविधान भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है, जहाँ वो नागरिकों से ये अपेक्षा है कि वो कानून का पालन करें, वहीं सरकार, शासन और प्रशासन नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उसका भी सम्मान करे। ये आवश्यक है एक प्रजातंत्र के लिए। हमारी ये भी मांग है कि सरकार पहल करे। सरकार ने ही निर्णय लिया है, सरकार ने ही एक तरफा फैसला किया है, सरकार ने ही पाबंदियां लगाई हैं, इसलिए सरकार इस पे एक पॉलिटिकल डायलॉग, राजनीतिक संवाद तुरंत शुरू करे, जिसमें देश के तमाम विपक्षी दलों को विश्वास में ले, उनके नेतृत्व को, वो हालात देखने के लिए वहाँ पे जाके लोगों से मिलें, जो समाज के अलग अलग संगठन हैं उनसे बातचीत कर सकें। उसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो नेता नज़रबंद किए गए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, उन्हें तुरंत आज़ाद किया जाए, नज़रबंदी से बाहर किया जाए, ताकि खुले रूप से वो लोग अपने बात कह सकें। कोई कारण नहीं है कि वो लोग, जिन्होंने भारत के संविधान में पूरा विश्वास किया है और जिनके साथ कभी केंद्र की सरकार में इनकी आपस में, मैं कहूँगा, गठबंधन रहा हो, वाजपेयी जी के समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस की भागीदारी रही थी और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में इनका गठबंधन पीडीपी के साथ रहा, तो जाहिर है बीजेपी भी इस बात को स्वीकार करती है कि वो राजनीतिक दल भारत के हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, वो चुनकर प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों के रूप में आए और उनके सरकार में, जहाँ की अगुवाई महबूबा मुफ्ती के हाथ में थी, वहाँ पे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के नेता भी उसमें मंत्री पद में थे, और दोनों दलों का आपस में
एक मेमोरेंडम था, एक एग्रीमेंट था, वो आपके सामने, मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता। तो बेहतर यही होगा कि 9 दिन गुजरने के बाद ये कदम सरकार की तरफ से उठें। सरकार का ये कहना कि भारत के खिलाफ प्रचार है देश के बाहर, उसका जहाँ तक प्रश्न है, हिंदुस्तान के खिलाफ जब कोई बात करेगा उसमें भारत की आवाज़ एक है। पर ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर पैदा करनी चाहिए कि जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको ऐसी हालात ही ना मिलें कि वो किसी तरह की अफवाहबाजी करें या लोगों में भ्रामक प्रचार करें। तो इस विषय पे मुझे केवल इतना ही कहना था। इस तमाम विषय जो अभी जम्मू कश्मीर का हुआ और उससे पहले संसद में कई विषय सामने आए, बिना उनको दोहराते हुए मैं एक चीज़ कहूँगा, हमको गहरी चिंता है भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था निरंतर कमज़ोर हो रही है, देश में विकास रुक गया है। चुनाव के बाद एक बड़े बहुमत जो बीजेपी को मिला, ये अपेक्षा की जाती थी कि देश में एक नया वातावरण बनेगा जिससे शिथिल जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जान आएगी, स्फूर्ति आएगी, वो मज़बूत होगी, एक नया भावना निवेश की बनेगी, कारखानों में उत्पादन होगा, नए कारखाने लगेंगे और जो गंभीर स्थिति है रोज़गार के फ्रंट पे, बेरोज़गारी की जो शायद पिछले 5 दशकों के भी आंकड़े से ऊपर चली गई, जो सबसे रीसेंट जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 8.8% से ऊपर बेरोज़गारी चली गई है। प्रधानमंत्री ने अपना एक इंटरव्यू दिया जो कल अखबारों में छपा, एक अखबार में उन्होंने कहा, स्वयं माना कि जो डिमांड है, मांग है, वो टूट गई है। मांग टूटने का मतलब बाजार भी टूटना होता है, उत्पादन का टूटना होता है। प्रधानमंत्री जब देश के स्वयं कहते हैं, उन्होंने तो उसको उपलब्धि के रूप में दिखाया कि जहाँ तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उद्योग में, निर्माण में, वो 75% है। यानी कि प्रधानमंत्री देश के स्वयं मानते हैं कि 25% जो आपकी कैपेसिटी है उद्योग की, इंडस्ट्री की, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। वास्तविकता ये है कि 1/3 देश की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बेकार पड़ी है। 1/3 आपका उत्पादन जो अभी हाल में नंबर आए हैं वो 2% से भी कम पे चला गया है। मैं उद्योग की उत्पादन IIP नंबर्स की मैं बात करता हूँ। जो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं वो 20% से ऊपर टूट गई है, मांग भी और उत्पादन भी। कमर्शियल व्हीकल्स का मांग लगभग 26% टूटी है, 25.77, और 26% से ऊपर उनका उत्पादन खत्म हुआ है। इसी सेक्टर के अंदर 1,00,000 से ज़्यादा लोग, उनकी नौकरी जा चुकी है। और पिछले एक महीने में देश में लगभग 10,00,000 नौकरी टूटी हैं, 10,00,000। बड़े उद्योगपति जो इस सरकार के पक्ष में हमेशा बोले हैं, आनंद महिंद्रा, राहुल बजाज जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने इस स्थिति को डेंजरस कहा है, भयावह कहा है। और ऐसा आशंका है कि इसी महीने में इस सेक्टर में
3.5 लाख से ज़्यादा नौकरी टूटेगी। तो जहाँ सरकार का प्रचार तंत्र अन्य विषयों पर है, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और देश की सरकार भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति से जो चरमरा रही है उस पर चर्चा से भाग रहे हैं? ये लोगों के जीवन यापन का प्रश्न है, रोजगार का प्रश्न है नौजवानों के लिए, देश में निर्माण की बात है और देश से निर्यात की बात है। ये बुनियादी सवाल हैं जो चर्चा से बाहर रखे जा रहे हैं। तो अगर सरकार गंभीर है तो ये जो कदम हमने मांगे हैं वो तुरंत उठाएं। हम सिर्फ राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में ना लें, उनको अनुमति दें, आज़ादी दे जाने की, एयरपोर्ट पे उनको रोकें मत और वापस जहाज से ना भेज दें, पूर्ण रूप से उनको खुली छूट होनी चाहिए। ये एक देश है, अपने देश में हम जहाँ भी जाएं उसकी आज़ादी होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। We will let you know, but surely as soon as possible. We have today asked now, the governor had invited, we have asked that please allow the delegation of the opposition leaders along with the leaders of the Indian media, print and electronic media, to visit. Now the ball is in their court, let them respond. मैं कहूंगा ऐसे गवर्नर को अंकुश लगाना चाहिए, गृह मंत्री को इस पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि क्या किसी राज्यपाल को ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं। हिंदुस्तान एक प्रजातंत्र है, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं। दुनिया को अगर हमने जवाब देना है या कोई भी दुष्प्रचार है या कोई अफवाहें हैं भारत के स्थिति के बारे में हैं या कश्मीर जम्मू के बारे में, उसका एक ही जवाब है सारी दुनिया को ये दिखाने का कि हमारा मीडिया स्वतंत्र है, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करता है और जो मुख्यमंत्री हिरासत में उनको रिहा कर दिया गया है, विपक्ष के नेताओं को खुली छूट है वहाँ पर जाने की। ये बात को टालने की बात है जो वहाँ के राज्यपाल कह रहे हैं और ये दुर्भाग्य की बात है कि राज्यपाल ऐसी बात कहे। जहाँ तक कांग्रेस की हाल स्थिति की बात है, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी के रूप में अपनी जिम्मेवारी को भी जानती है, चुनौतियों को भी समझती है। हमें उनकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनकी संवेदना या शुभकामनाओं की, पर वो कश्मीर के हालात की जिम्मेवारी सीधी उन पर है और भारत की सरकार पर। देखिए, हमारी तो कार्यकारिणी में भी खुले रूप से चर्चा होती है, ये फर्क होता है राजनीतिक दलों में। हमारे यहाँ पूरा दिन चर्चा होती है, मंथन के बाद बात निकल कर आती है। जब कश्मीर पर हमारा प्रस्ताव और कार्यकारिणी का, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का स्टेटमेंट आया, उस पर भी बड़ी चर्चा के बाद आया, वो आपके पास है। पर कांग्रेस की अधिकृत इस पर क्या स्टैंड है वो हमारे रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट्स का है। बाकी निजी विचारों से किसी को रोका नहीं जा सकता, पर संगठन का जो भी कहना है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव या अधिकृत स्टेटमेंट के माध्यम से ही है, जो बयान जारी किया गया वही कांग्रेस पार्टी कहती है।